So I think that for cracking CSS exam, the first and foremost thing that matters a lot is consistency. In CSS exam, अगर आप consistent रहेंगे, एक अगर आप comparison करते हैं कि बहुत competent applicant है और एक उसकी side पे एक वो qualifier है या applicant है जो बहुत ज़्यादा consistent है, तो ultimately consistent will prevail in CSS examination. Next thing, जो एक बिथ बनी हुई है कि हिस्ट्री में स्कोर ज़्यादा नहीं आता, तो मेरी थ्री अटैम्प्ट में हिस्ट्री में मेरे 75 प्लस स्कोर है और दिस ईयर आई गॉट 85, डेट इज़ हाईएस्ट इन पाकिस्तान इन इंडो पाक हिस्ट्री. सो आप हिस्ट्री में या आप जो पाकिस्तान अफेयर अटैम्प्ट करते हैं उसमें आप ट्राई टू रिलेट द रिसेंट डिवेलपमेंट. लाइकवाइज अगर आपसे कोई कोई भी क्वेश्चन है आपका करंट लेट्स सपोज इकॉनमी से रिलेटेड है, हमारा एक ओवरऑल ट्रेंड क्या है कि हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट 2 to 3 पेजेस हम हिस्ट्री लेके चलते रहते हैं और ऑल ऑफ सडन फिर हम जो करंट डेवलपमेंट उसको कोट करते हैं. आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप अपने एसे को, आप अपने करंट अफेयर के पेपर को, आप अपने ऑप्शनल्स में जो भी टॉपिक है उसको रिसेंट डेवलपमेंट से कोट करके और फर्दर उसको सिस्टमेटिकली लेके चलेंगे तो आप बहुत हाई स्कोर करेंगे. इसी तरह ज्योग्राफी में मेरे 13 ऑब्जेक्टिव गलत थे बट उसके बावजूद आई गॉट 84 मार्क्स. सो उसमें क्या था कि मैंने हर जो टॉपिक था क्वेश्चन का उसमें मैंने लैंडफॉर्म्स की डायग्राम्स बनाई, चार्ट बनाए और रिसेंट फैक्ट्स एंड फिगर उसमें कोट किए. इसी तरह फॉरेस्ट्री मैंने, और फिर सर जो मेरा लास्ट पेपर हर तीनों अटेम्प्ट का है ना वो हमेशा फ्लंग हुए. वो पता नहीं, मैं सारी रात प्लानिंग करता रहता था कि कल पेपर एंड होगा तो सी एस एस भी बिल्कुल क्रिकेट 2020 मैच की तरह आपने बिल्कुल एंड तक जब तक नहीं पहुंचना तो आपने उस पर फोकस अपना प्रॉपर रखना है आपने. और टेक्निक्स की जहां तक बात है, आप ऐसे जो है उसके लिए आपका ऐसे क्या सी एस एस के हर पेपर के लिए डॉन आपका बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का काम करता है. जैसे प्लांट्स के लिए सोलर लाइट की ज़रूरत है, इस तरह अगर आप सी एस एस के एस्पिरेंट हैं और आप डॉन नहीं रीड करते तो आई थिंक कि आपको फर्दर आगे नहीं जाना चाहिए. सो डॉन, आप बेशक आप कोई और चीज़ आप छोड़ दें, खाना छोड़ दें, सोना छोड़ दें, बट आपने डेली का डॉन एटलीस्ट फ्रंट पेज एडिटोरियल इंटरनेशनल और नेशनल में, वो भी जब आप ग्रेजुअली रीडिंग स्टार्ट करेंगे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी खबर इंपॉर्टेंट है और कौन सी आपने नहीं, नॉट इट इज़ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट. और फिर ऐसे में और करंट अफेयर्स डिफरेंट ऑप्शनल्स में आप रिसेंट कोई भी बुक पब्लिश हुई है उस टॉपिक से रिलेटेड आप उसको कोट करें, आप उसके ऑथर का नेम मेंशन करें, आप एज ए रेफरेंस, आप जब 2 to 3 रेफरेंसेस कोट करेंगे तो अल्टीमेटली आपका स्कोर काफ़ी हाई होगा. मैं इसमें स्पेसिफिकली एक फॉरेस्ट्री पेपर के हवाले से एक टेक्निक शेयर करूंगा कि वो मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने फॉरेस्ट्री ऑप्ट किया था. तो अब जब लास्ट डे पेपर से लास्ट डे अब मैं बुक देख रहा था तो मुझे लगा कि अब मैं तो इसको रिवाइज़ ही नहीं कर सकता क्योंकि इसके 2 वॉल्यूम्स थे 300 पेजेस के. अब मैंने ये सोचा कि आउटलाइन जो है ना कोर्स की, हर आउटलाइन को मैं गूगल पे लिखता था, उस पे जो रिसेंट 4 to 5 रिसेंट बुक्स पब्लिश हुई थी उस बुक का रिव्यू मैंने रीड किया, ऑथर का नेम और बुक का नेम मैंने क्रैम कर लिया. इसी तरह रिसेंटली जो UNDP, WWF, वर्ल्ड बैंक, IMF जो भी रिपोर्ट्स थी उनको मैंने क्रैम कर लिया. अब द वेरी नेक्स्ट डे जो फॉरेस्ट्री का पेपर आया उसमें 4 क्वेश्चंस थे, वो जो अप्लाइड जिन्होंने 4 ईयर की एग्रीकल्चर ऑप्ट की होगी तो वो ऑप्ट कर सकते थे, और 4 क्वेश्चंस से बिल्कुल जर्नल. अब जर्नल में फिर आपको पता है कि जो प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ के जाते हैं वो जर्नल पर इतना फोकस नहीं करते. अब जब मैं जर्नल क्वेश्चंस आए तो मैंने उसमें हर सेकंड लाइन में मिस्टर जेम्स गुस्टाव एंड पीटर एम हासिन देयर बुक ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस स्टेटेड दिस, फिर कोई रिपोर्ट, फिर कोई चार्ट, फिर कोई मैप, उसमें भी इसी तरह के 13 to 14 ऑब्जेक्टिव गलत होने के बावजूद 71 मार्क्स थे. सो आप जितना आप बुक्स रिव्यूज़ पढ़ेंगे, अगर आप मैनेज नहीं कर सकते कि आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते आप, और वैसे भी CSS जो है स्मार्ट स्टडी का नाम है, तो आप उसमें कोट्स रेफरेंसेस उसको लेकर चलें ताकि आपका मैक्सिमम स्कोर आए. और कोई भी आपका ऑप्शनल है एक्सेप्ट ऐसे, आप उसमें ट्राई करें, आप डायग्राम ड्रा करें. लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर में अगर इंडो पाक रिलेशंस पे टॉपिक आ जाता है तो मेरी स्ट्रेटजी रही कि मैं उसमें सब कॉन्टिनेंट का मैप ड्रा कर देता था और उसमें जो फ्लैश पॉइंट्स थे, जैसे उस टाइम तक IPI इंडिया पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन, उसकी
شو کر دیا میپ پہ کہ کہاں کہاں سے اس کا روٹ ہے. ٹیپی ہے, تاجکستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا گیس پائپ لائن, کاسا 1000. اب ریسنٹلی جیسے پوسٹ پلوامہ سینیریو میں آپ شو کر دیں ایبٹ آباد کہاں پہ ہے, پلوامہ کہاں پہ ہے. سو یہ ایک امپریشن دیتا ہے کہ آپ کرنٹ ڈیولپمنٹ سے جو ہے آپ بالکل آپ کیپنگ یو آر کیپنگ ابریسٹ وتھ دا کرنٹ ڈیولپمنٹ. سو ٹیکنیکس کے لیے آپ, اور فردر مور وہ کیب جو ہے سی ایس ایس میں ایس اے کے پیپر میں بہت سگنیفیکنٹ ہے. آپ ریگولرلی اپنی وکیبلری امپروو کریں اور اپنے ایکسپریشن پہ ورک کریں. جب آپ کا ایکسپریشن اور آپ کی وکیب امپروو ہوگی تو الٹیمیٹلی یو ول اسکور میکسیمم مارکس ان ایس اے اینڈ کمپوزیشن. تھینک یو ویری مچ.